नमस्कार, चैतालीस किचन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे चने की दाल बनाना। जिसके लिए हमें चाहिए चने की दाल, जिसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया है। प्याज, लहसुन, टमाटर, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, कटा हुआ धनिया, राजमा मसाला। राजमा मसाला डालने से चने की दाल का टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। हींग और तेल। कुकर में एक चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद में प्याज, लहसुन, हींग डाल के मिक्स कर लेंगे। प्याज को हम हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर डाल के मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और नमक डालेंगे, धनिया पाउडर भी डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हमें धीमी आंच पे टमाटर सॉफ्ट होने तक पकने देना है। इसे थोड़ा मैश कर लेंगे। अब इसमें चने की दाल डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें राजमा मसाला डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। अगर हम चावल के साथ बना रहे हैं तो पानी हम ज़्यादा डालेंगे, और अगर हम रोटी के साथ बना रहे हैं तो इसमें हम पानी कम डालेंगे। मैं चावल के साथ बना रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा पानी ज़्यादा डाल रही हूँ। दाल में उबाल आ जाने के बाद में कुकर का ढक्कन लगा के हम दो सीटी लगा लेंगे। अगर दाल नहीं पकती है तो एक सीटी हम और लगा लेंगे। कुकर का प्रेशर निकल चुका है। अब हम इसमें धनिया डालेंगे और सर्व करेंगे। हमें आशा है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।